मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। राजस्थान की राजनीति में ये दो नाम हैं जो फिलहाल कुछ वक्त से काफी ज्यादा चर्चे बटोर रहे हैं। कांग्रेस से अलग हो जाने को लेकर सचिन पायलट और भारतीय जनता पार्टी से मनमुटाव को लेकर वसुंधरा राजे लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। और इन्हीं सबके बीच में एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस पूरे विवाद पर सामने आ गया है। विधानसभा सत्र की शुरुआत राजस्थान में हो चुकी है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा के बाद अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस चर्चा के दौरान अशोक गहलोत आक्रामक नजर आए। बातों ही बातों में वसुंधरा राजे पर तंज कसते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह दी। अशोक गहलोत कहते हैं, आज भाजपा के लोग बगुला भगत बन रहे हैं। मेरी उम्र 69 साल है, 50 साल से राजनीति में हूं, आज लोकतंत्र को लेकर चिंतित हूं। उन्होंने भाजपा की भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिराने की साजिश का जिक्र करते हुए कहा, तब मैं राज्यपाल के पास गया, प्रधानमंत्री तक के पास गया, लेकिन षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बना। सीएम गहलोत भाजपा में चल रही गुटबाजी पर चुटकी लेते हैं और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से पूछा, वसुंधरा राजे से आपका रिश्ता कैसा है? यूनुस खान कब से वसुंधरा राजे का चहेता हो गया और कब राजेंद्र राठौर उसी कैंप से अलग हो गए? आपकी पार्टी वाले यही कहते हैं। वसुंधरा राजे के साथ मिली भगत पर अशोक गहलोत ने सफाई दी और कहा, ऐसा कहा जा रहा है कि हम आपस में मिले हुए हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरी वसुंधरा राजे से कोई बातचीत भी नहीं होती। एक बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती है, एक बार मैं, लेकिन इस बार कुछ लोगों ने सोचा मैं आ जाऊं और वसुंधरा को किनारे कर दूं। कोरोना संकट का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत कहते हैं, इसे लेकर भी कोई राजनीति नहीं की। गर्व होता है, कोरोना के दौरान राजस्थान में शानदार काम हुआ, पूरे देश में प्रतिष्ठा बढ़ी। एक इंसान की जिंदगी चली जाए तो कितना दुख होता है, यही सोचकर हमने अभियान चलाया, कोई भूखा ना सोए, इसके लिए सभी को साथ लेकर काम किया। हमारी जंग जीवन और आजीविका को बचाने की है। आपको बता दें, वसुंधरा राजे के बाद अशोक गहलोत सचिन पायलट और पायलट समर्थकों को लेकर भी बयान देते हैं और कहते हैं, जो मनमुटाव था वो खत्म हो गया, हम सब एक हैं और हम सब एक होकर राजस्थान के विकास में एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। इसके साथ ही एक महीने के विवाद के बाद सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात भी हुई। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।